दिखाएगी वही होगा जो सही। आप देख रहे हैं यूट्यूब बुलेटिन लाइव, जो आपको रखे सबसे आगे सच के साथ। जानसठ से प्रभारी सचिन धीमान की रिपोर्ट। जानसठ गांव काटका के किसान मेघचंद की हत्या करने वाले नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सिखेड़ा थाने में शव को रखकर हंगामा किया। इस दौरान मृतक किसान के बेटे व पुत्री ने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, जिससे थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बेटे व पुत्री को आत्मदाह करने से रोका। पुलिस ने सोमवार सुबह 8 बजे तक आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, तब जाकर परिजनों ने थाने से शव को उठाया। पुलिस की मौजूदगी में परिजनों और ग्रामीणों ने शव का शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया। इस दौरान थाना सिखेड़ा के अलावा थाना जानसठ व थाना नई मंडी का पुलिस बल मौजूद रहा। कोतवाली जानसठ के गांव काटका निवासी 50 वर्षीय किसान मेघचंद पुत्र भूले सिंह को थाना सिखेड़ा के गांव नंगला मुबारक निवासी सुधीर पुत्र चंद्रपाल उसके पुत्र लक्की आदि ने उधार दी गई रकम नहीं चुकाने पर मारपीट कर घायल कर दिया गया था। अस्पताल में किसान की मौत हो गई थी। परिजनों ने शनिवार की देर शाम को हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को गंगनहर पर शव रखकर जाम भी लगाया था। पुलिस ने मृतक के पुत्र पवन की ओर से सुधीर धर्मेंद्र ओमकार पुत्र गण चंद्रपाल व लक्की उर्फ छोटू पुत्र सुधीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस अभी तक नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। रविवार दोपहर को परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद किसान महकचंद का शव लेकर सीधे सिखेड़ा थाने में पहुंचे। थाने में शव को रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान मृतक किसान के पुत्र अमित व पुत्री संजो ने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया, जिससे पुलिस में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों को आत्मदाह करने से रोका। करीब आधे घंटे तक थाने में परिजनों और ग्रामीणों का हंगामा चलता रहा करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद भी परिजनों और ग्रामीणों ने शव को उठाया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में गांव काटका में मृतक किसान के शव का शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान थाना सिखेड़ा के अलावा थाना जानसठ व थाना नई मंडी का वीडियो बना ले, लिखित में ले लियो अपना, बगैर लिखित के कुछ नहीं। अरे कार्रवाई तो जब भी होगी जब तो रोना आ जाएगा। चल थोड़े रे बैठ के कार्रवाई कर लो ना। अरे 1 बजे सुबह 9 बजे तक का टाइम है। 9 बजे तक के लिए सभी आदमी अरे मारता सभी के साथ इन्होंने 8 बजे तक टाइम है। हम 9 बजे तक का टाइम है यार। भाई 8 बजे तक नहीं होने का तो 9 बजे यहां बैठते हैं। हम यहां 9 बजे तक बैठे हैं। हमें कुछ नहीं है यार। लो यार 9 बजे तक बजे तक जाती है। मैं नहीं जा रहा। मैं नहीं जा रहा। आपका रोड है, आपका थाना है, कहीं भी आ सकते हो। Gracias.
अभी तो अब उसको मॉनिटर करेंगे। रात में सारे आपको पता रात में सारे दो दिन बाद करना है तो हम जल्दी कर लेंगे। आपको भी ढीला करेंगे तो अगर हम ढीला करेंगे तो दो दिन बाद हो गया था तो है कि ब्लाइंड मर्डर है, उन्होंने मर्डर भी किया है तो खतरा मामला है उसे टाइम दो। समझदारी से भाई मुद्दा खत्म नहीं हो रहा, मुद्दा नहीं खत्म होने का। कोई भाई नहीं लगा हमारा, खत्म कर सकता कोई, हम कोई अलग है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो सब मुद्दे को खत्म कर दे। भाई कोई हम इतना गलत काम कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, तो ये वो कहीं नहीं जाएगा। रात भर का टाइम दिया था, पूरी रात दी थी हमने, पूरी रात में जो अपनी अब क्या हो जाएगा, हमें चाहिए है इंसाफ। रुक जाओ, अब वो मुझे बताएगा कहाँ गया क्या गया, वो हम कर लेंगे। मैं भी निकलूंगा, अब आप पहले मैं आपकी डेड बॉडी कराऊंगा, मैं खुद चल रहा हूँ, उसके बाद में ही करेंगे जी। डेड बॉडी ना यार, सब कितने लोगों ने हम मरेंगे सुना, हम तो यार 12-14 घंटे हो गए, कुछ नहीं पता, हम आपकी मानते रहे साहब। पवन इंस्पेक्टर सामने ये बात कह दी ना, वो रात भी कहने वाले थे, आपके सीनियर थे। मेरी जिम्मेदारी है, अब सर तो चलेगा, सर की मुझसे ज्यादा है क्योंकि वो जगह चला रहे हैं, अब मेरी भी है क्योंकि मैं खाना चला रहा हूँ, ठीक है। आप अरे मैं कहूँ तो आप बात उन्होंने कहा कि प्रधान जी 24 घंटे नहीं हुए, हम कुछ भी करेंगे। आप 24 घंटे हो गए, कल 2 बजे की बात है, 2 बजे के लिए 10 बजे, कल 2 बजे की बात है, 10 बजे उठा के लेगा, 1 बजे खड़ा तो नंबर पे फोन, 10 बजे की बात है, बता कौन से ना उसे डॉक्टर तक नहीं लाऊंगी। आ गया आपको अगर ये चाहिए तो मिल जाए तो मैं रिजाइन कर दूंगा यार, और क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी लटरी हमारी यहां मेरी हो गई, इसी में सारी जो हाल में चीजें मिली हैं, आदमी चला गया नहीं, रात से तो फिर चले गए पड़े है जी हां, और जब बिजी हो जाएंगे, जब एकदम जब ये लेडीज कपड़े पाट पाट खड़ी होंगी, जब सारे बिजी हो जाएंगे, हो जाएंगी यार, जब अब तो यही काम रह रहा और कुछ नहीं रह रहा, बस यूं रह रहा। जा बता दो अपनी बात, बता दो मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, बेचना तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं कैसे फ्री हो जाऊँगा, खाने में आप लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? कटका। अच्छा, क्या मामला है जो थाने पे है? 5,000 रुपए का लेन देन था पिताजी के साथ, सुधीर सनोक चंद्रपाल का नंगला चुबारी का रहने वाला है। सुबह पिताजी 7:30-7:30 बजे निहार के लिए खेत पर गए थे, उन्होंने उन्हें वहाँ से अगवा कर लिया, मारपीट की, 12 बजे के समथिंग हमें ग्राम प्रधान ने कॉल किया, हम वहाँ पहुँचे दोनों भाई, मैं और मेरा भाई, वहाँ जाकर उन्होंने हमारे साथ भी मारपीट की। Thank you.
वहाँ पे गए, लेकिन वो हमारे साथ भी मारपीट करने लगे। लगभग 3:30 का टाइम आ गया था और फिर हमारे ताऊ जी का लड़का गया 100 नंबर को कॉल करके, तब जाके हम वहाँ पे गए। तो उन्होंने एक दो सूट दी थी कि जो होता है पढ़ लेना, हम संजीव बालियान मेरा भाई है, अगर ऐसी सरकार में संजीव बालियान की चलेगी तो हमारा या और जनता का रहना गलत, अगर कोई मोमडन आधार कास्ट से होता तो अब तक बुलडेजर चलवा देते योगी साहब। बताइए इसके संजीव बालियान के पीछे होगा, मर्डर करते रहेंगे क्या? अब क्या आश्वासन दिया पुलिस ने? पुलिस ने तो रात में भी आश्वासन दिया था कि हमें थोड़ा टाइम तो हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। 12-14 घंटे हो गए, अब फिर कह रहे हैं कि हमें फिर 12 घंटे का टाइम दो। बताइए साहब, चलो 24 घंटे का टाइम मांग रहे हैं, आगे जाके हम अपनी बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे, आगे तो हमारे पास प्रूफ भी नहीं रहेगा। SSP सिटी आए थे, वो अपना नंबर दे गए थे कि हमें जब फोन कर रही हो, वो फ़ोन नहीं उठा रहे, अब किस बात का प्रूफ लें से? एक घंटे का समय है बस, एक घंटे का, हम यही मरेंगे आग लगा के अपने बाप के साथ जलेंगे। भाजपा सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, संजीव बालियान लेगा, आगे खुद मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे इसके। संजीव बालियान के वो उस पर गया है, उसने कहा था कि जो होता कर लो, संजीव बालियान मेरा भाई है, उसका जिम्मेदार भाजपा सरकार और संजीव बालियान होगा।